मैं रामदास सोलंकी, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि स्लेब की क्यूरिंग कैसे की जाए। तो जैसे आपकी स्लेब कास्ट हो जाती है, उसके एक दिन बाद में आप पहले तो ईंटों की चिनाई करवा दें, सिंगलेट, ये बाद में भी काम आ जाएगी आपकी पैरापेट वॉल के लिए, इसी पे से चले जाएगी। और बीच में पार्टीशंस करवा दें, ये क्यारियाँ बना दें इस टाइप से, जो आपको ये दिख रही होगी यहाँ से बनी हुई, ताकि हर रूम वाइज पार्टीशन हो जाए और पानी जो है एक तरफ ना भागे किसी स्लोप के तरफ, सभी रूम्स में बराबर पानी भरा रहे, इसलिए इसमें ये क्यारियाँ बना दी जाती है। और इसमें फिर आपको पाइप से आप इसमें पानी भर दें। पानी इसमें कंटिन्यू आप 12 दिन तक भर के रखें। 12 दिन के बाद में 3 दिन का सूखने के लिए टाइम दें, ताकि बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए कंक्रीट की। और उसके बाद में आप अप्रोक्सीमेट 15 डेज के अंदर में आप सेंटरिंग डिसेंटरिंग करवाना चालू कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये है स्लेब की क्यूरिंग ऐसे की जाती है। फ्रेंड्स, देख लें आप, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को।